गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है वेस्टीज नोनी। क्या आप लोग जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने नोनी के ऊपर एक बुक लिखी थी? नोनी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको अपने हर सप्लीमेंट के साथ देना है। इसका कारण मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने स्पंज तो देखा होगा, स्पंज में जब हम पानी डालते हैं तो अपने अंदर सोख लेता है। सोख क्यों लेता है? उस स्पंज के अंदर ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जो आँखों से दिखाई नहीं देते, बहुत ही माहीन होते हैं। अगर मैं अब आपको बोलूं कि स्पंज बाहर रख दीजिए और उसके अंदर रोज़ तेल डालिए, घी डालिए, मिट्टी डालिए, गंदगी डालिए, उसके ऊपर चिकनाई भी डालिए, सब कुछ डालिए, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके पोर्स जो है वो बंद हो जाएंगे, पानी सोखना वो बंद कर देगा, फिर वो बहुत धीरे धीरे पानी सोखेगा। एक बार ऐसा ही आप अपने शरीर के साथ ये सभी चीज़ें पिक्चराइज कीजिए। एक बार अपने शरीर की खुद पिक्चर बनाकर देखिए आपके सेल्स के अंदर क्या होता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोज होते हैं, आपके ब्लड के द्वारा जहाँ पर भी न्यूट्रिशंस जा रहा है वहाँ पर आपके पोज ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपके शरीर में घी, तेल, गंदगी, टॉक्सिन्स, चिकनाई सभी कुछ होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के छिद्र धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं खाते फिर भी हमारा वज़न धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका रीज़न यही है कि आप लोग जो भी खाते हो उसका पोषण आपके शरीर को नहीं लगेगा। तो हमारे मोटे होने का एक यही रीज़न है कि जो हम खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से आपने इस पुदीना खा लिया, आपने कैल्शियम भी खा लिया, लेकिन आपके शरीर के छिद्र जो है वो बंद है, पोज बंद है। 3 महीने 6 महीने खाने के बाद आप यही बोलोगे कि आपको तो इन सप्लीमेंट का कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो पहले हमें वो पोज साफ करने हैं। इस पुदीना क्या करता है, आपके छिद्रों को बड़ा करता है, उन्हें साफ करता है ताकि ऑब्जर्वेशन आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए। उसके बाद आप स्पिनाच खाएंगे, कैल्शियम खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा। थायराइड के अंदर आपको सुबह खाली पेट नोनी और फ्लैक्स देने का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थायराइड में आप थायरॉक्सिन की गोली खाते हो। थायरॉक्सिन की गोली खाने के बाद जब आप नोनी और फ्लैक्स खाएंगे, नोनी आपके छिद्रों को साफ करेगा, थायरॉक्सिन की गोली का रिजल्ट और फ्लैक्स का रिजल्ट भी आपको आपके शरीर को ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर का वेट लॉस होता है और थायराइड तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। तो नोनी आपको हर कंडीशन में और हर किसी को देना है। आप जो भी सप्लीमेंट दे रहे हैं वो रेगुलर चलाइए, लेकिन शुरू के 3 महीने आपको नोनी ज़रूर चलाना है ताकि जो सप्लीमेंट आप दे रहे हैं उसका रिज़ल्ट मिलना आपको शुरू हो जाए, उसके छिद्र खुल जाएँ, उसके सेल्स के बोन्स खुल जाएँ। अब चलिए बताते हैं कि नोनी होता क्या है। नोनी विटामिन सी और पोटेशियम से भरपूर है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। अब और क्या क्या काम है जो नोनी हमारे लिए करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, पाचन क्रिया। अगर किसी की पाचन क्रिया से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको नोनी देना है। सर्कुलेटरी सिस्टम, टिश्यू और सेल्स को मजबूत करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को इनक्रीज करता है, आपके बालों को अच्छा रखता है और फिजिकली परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। किन किन कंडीशन में नोनी देना है आप ध्यान से सुनिए। सोराइसिस और एक्जिमा के लिए हमें नोनी सप्लीमेंट देना है, अस्थमा के लिए भी हमें नोनी सप्लीमेंट देना है, सोराइसिस, ज्वाइंट पेन, होमिलिटी, वीकनेस, इसमें भी हमें नोनी सप्लीमेंट देना है, फ्रैक्चर के अंदर भी नोनी देना है, कैंसर में भी नोनी देना है। नोनी क्या करता है? कैंसर सेल्स को प्रिपेयरिंग करता है, जहाँ पर कैंसर के सेल्स बन रहे होते हैं वहाँ पर कैंसर सेल्स को बनने से रोकता है। तो जिनको हो गया है उनको भी फ़ायदा देगा और जिनको नहीं है उनको कभी भी ना होने के लिए आपका बचाव करेगा, कैंसर ग्रोथ को ख़त्म करता है। हेडेज यानी कि माइग्रेन की कंडीशन अगर है तो आपको नोनी देना है। डायबिटीज़, हाई बीपी, कंस्टिपेशन, पैरासाइड अटैक, डायरिया, इन्फेक्शन और यूनिक अटैक, ट्यूमर, चाइल्ड बर्थ और क्रैम्पिंग, इन सभी प्रॉब्लम में आपको नोनी देना है। अब आता है कि नोनी लेना कैसे है। जब आप किसी नए इंसान को नोनी देते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसको नोनी देते हैं तो उसको बुखार आ जाता है और चक्कर आने लगते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है। मैं आपको बता देती हूँ ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले नोनी जो है हमारे सेल्स के ऊपर काम करता है, इसीलिए होता है और कोई ख़ास बात नहीं है। तो 5 दिन नोनी देना है शुरू के 5 दिन, फिर 2 दिन गैप करना है, फिर 5 दिन नोनी देना है, फिर 2 दिन गैप करना है, फिर 5 दिन नोनी देना है, फिर रेगुलर देना है। नोनी देना किसे नहीं है, स्पेशली आप ध्यान रखिए, जिसे पोटेशियम 10 में से 3 लोग मिलेंगे पोटेशियम रेसिपी डाइट। पोटेशियम रेसिपी डाइट मतलब जिनके खाने में पोटेशियम नहीं बताया जाता, जिनको पोटेशियम नहीं खाना होता, उनको आपको नोनी नहीं देना।
क्योंकि नोनी में पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है। देना कितना है अब ये बता देते हैं, 2 से 3 कैप्सूल पर डे। तो ये थी आज की वीडियो की छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड या वेस्टिज सप्लीमेंट के बारे में हमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं। नोनी की इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।